एक दिन थॉर ने जाना वो सच जो बहुत वक्त से वॉचर ने उसे छुपा कर रखा था, और वो जानते ही उसका हैमर उसके हाथ से छूटकर चांद की सतह पर गिर गया। थॉर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाया और हैमर ना उठाने के कारण वो अपनी पावर्स भी खो चुका था। और अब वो ज्यादा दिनों तक थॉर नहीं था, बल्कि अब वो तो बन चुका था ओडिनसन, और साथ ही बन गया अनवर्दित थॉर। हाल ही में ओडिनसन का सामना ट्रोल के किंग यूरिक से हुआ, और इसी दौरान ओडिनसन की मुलाकात अनसिन से हुई, एक ऐसा शख्स जिसने ओडिनसन के बारे में काफी नॉलेज थी, और उसी ने ओडिनसन को बताया कि इस दुनिया में एक और हैमर आ गिरा है और वो पुराने एस्कार्ड पर है। ये सुनते ही ओडिनसन तुरंत पुराने एस्कार्ड की ओर निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ उसने देखा कि पुराना एस्कार्ड अब बिखर चुका था और वहाँ पर म्योनिर भी गायब हो चुका था, लेकिन ओडिनसन को वहाँ पर उसका पुराना दोस्त बेटा रेविन मिल जाता है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful, all is said and done. बेटा रेविन अपने घुटनों पर बैठकर ओडिनसन के सामने अपना स्टॉर्म ब्रेकर करता है और उसे अपनाने के लिए कहता है। तभी ओडिनसन बेटा रेविन से कहता है, बिल ये तुम क्या कर रहे हो? बिल कहता है, नहीं ये आपको लेना ही होगा, तभी तो आपकी शान बढ़ेगी। ओडिनसन बिल को उठाते हुए कहता है, नहीं बिल, मैं अब थॉर नहीं हूँ और ये स्टॉर्म ब्रेकर ये तुम्हारा है, तुम एक नेक आत्मा हो और साथ ही एक अच्छे दोस्त भी। तभी बिल कहता है, पर मैंने तो सुना था। जिस पर ओडिनसन कहता है, हाँ तुमने सही सुना, अब मैं अनवर्दी हो चुका हूँ। जिस पर बिल पूछता है, लेकिन कैसे? जिस पर ओडिनसन कहता है, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि म्योनिर कहाँ गायब हो गया, तुमने कहा कि किसी ने चोरी कर लिया। जिस पर बिल कहता है, हाँ किसी कॉस्मिक बिल ने ये हरकत की है। लेकिन इससे पहले बिल कुछ आगे बता सके उन दोनों पर अटैक होता है। ओडिनसन और बेटा रेविन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी वे लोग समझ जाते हैं कि ये हमला करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने म्योनिर को गायब किया है, और अगले ही पल वे दोनों उन पर अटैक करते हैं। ओडिनसन अपनी एक्स फेंक कर उन ब्रोंज को फोड़ देता है, तो वही बिल अपना स्ट्रॉन्ग ब्रेकर से उन ब्रोंज को फोड़ने लगता है। यहाँ ओडिनसन इतने में शांत होने वाला नहीं था, वो अपनी गोद को बुलाता है और उन अटैकर्स की मदरशिप की ओर दौड़ लगाता है। यहाँ भी सेंस करता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो ओडिनसन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो बता सके ओडिनसन उस मदरशिप की ओर पहुंच चुका था। यहाँ मदरशिप के अंदर गार्ड्स को पता चलता है कि ओडिनसन उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए वे लोग अपने मालिक से पूछते हैं कि अब क्या करें। जिस पर उनका मालिक कहता है कि दरवाजा खोल दो, और ये कहते ही वे लोग शिप के दरवाजे खोल देते हैं, जिसके कारण वहां पर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है और ओडिनसन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी ओडिनसन कहने लगता है, मैं तब से नहीं सोया हूँ जब से मैं अनवर्दी हो गया हूँ, देखा जाए तो करीब करीब 9 महीने 3 हफ्ते 4 दिन और 7 घंटे हो चुके हैं मुझे सोए बिना, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मेरी आंखें बंद करती तो मुझे वही डरावने सपने याद आएंगे। ये कहते ही ओडिनसन अपनी आंखें बंद कर देता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक वीरान जगह पर पाता है, वो भी बिना कपड़ों की, और सीने पर उसके म्योनिर होता है जो उसे अंदर जमीन में दबा रहा था। ओडिनसन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर और भी बहुत सारे म्योनिर आ गिरते हैं और ओडिनसन जमीन के नीचे घुस जाता है।
लेकिन तभी ओडिनसन देखता है कि उसके सामने ग्रॉन द गॉड बुचर खड़ा था। ये देखकर ओडिनसन जोर से चिल्लाने लगता है और वो जाग जाता है। तभी वो देखता है कि उसे बेड़ियों में बांध के रखा था। तभी एक आदमी ओडिनसन से बात करने लगता है। ये सुनकर ओडिनसन उस आदमी से पूछता है, मैं कहाँ पर हूँ। ये कहते ही ओडिनसन देखता है कि उसके पास ऐसे और भी बहुत से लोग और जानवर कैद थे। तभी वो आदमी अपने आप को रिवील करता है और वो कोई और नहीं द कलेक्टर था। और उसे वहां देखकर ओडिनसन गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ओडिनसन को कैद करने की। लेकिन तभी कलेक्टर ओडिनसन को बेड़े से उठाकर अपने साथ ले जाता है और एक जगह पर लाकर पटकता है। तभी कलेक्टर कहता है कि वो इतने सालों से बहुत सी चीजें जमा कर रहा था, लेकिन पहली बार उसने पूरे के पूरे नॉर्थ रेलिंग को अपने कलेक्शन में डाला है। तभी ओडिनसन कलेक्टर से पूछता है कि तुमने एस्कर्ड को क्यों उठाया, वहां पर धूल मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है। जिस पर कलेक्टर कहता है, नहीं, वहां पर कुछ और भी है। ये कहते ही कलेक्टर ओडिनसन को अल्टीमेट म्यूनिर दिखाता है। थॉर अल्टीमेट म्यूनिर को देखकर समझ जाता है कि अनसीन सही था। तभी कलेक्टर ओडिनसन से कहता है, ये म्यूनिर इतना पावरफुल है कि वो जहां पर था वहां की दुनिया खत्म हो गई, लेकिन वो उस दुनिया को चीरते हुए यहां आ गिरा। मैं हमेशा से खुद के लिए एक हैमर चाहता था, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। ये कहते ही कलेक्टर अपने एक आदमी को बुलाता है और उसे वो अल्टीमेट म्यूनिर उठाने को कहता है। तभी वो आदमी आकर उस म्यूनिर को पकड़ता है और जैसे ही वो पकड़ता है वो म्यूनिर अचानक से चार्ज हो जाता है और उस आदमी को पल भर में राख बना देता है। तभी आगे कलेक्टर कहता है कि जो भी उस म्यूनिर को उठाने की कोशिश करता है वो राख बन जाता है। लेकिन मैंने उस पर लाखों स्पेल आजमाए, यहाँ तक कि मैंने अपनी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। मैंने खुद भी उसे उठाना चाहा, लेकिन मैं कोई साधारण भीम नहीं हूँ, इसलिए मैं बच गया। लेकिन मुझे ये हैमर चाहिए, इसलिए मैं पूरे एस्गार्ड को उठा लाया हूँ। तो बताओ मुझे इसे उठाने का राज क्या है। जिस पर ओडिनसन कहता है, तुम गलत थॉर से बात कर रहे हो। जिस पर कलेक्टर कहता है कि फिलहाल उसके पास एक ही थॉर है, लेकिन अगर वो नहीं मानेगा तो उसके पास और भी रास्ते हैं। ये कहते ही कलेक्टर एक गार्ड को एक छोटे से एलियन बच्चे को ले आने के लिए कहता है। और तब कलेक्टर कहता है, ये डॉटरियस नाम का प्लैनेट का आखिरी सर्वाइवर है, तो मुझे बताओ इसे कैसे उठा सकते हैं, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। ये सुनते ही ओडिनसन कलेक्टर से कहता है, तुम पागल हो गए हो, म्यूनिर को वही उठा सकता है जो इसके लिए वर्दी हो, तुम समझते क्यों नहीं। लेकिन कलेक्टर गिनती चालू कर देता है। ओडिनसन अभी भी कलेक्टर को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कलेक्टर मान नहीं रहा था। तभी कलेक्टर की गिनती खत्म हो जाती है और वो उस बच्चे को शूट करने को कहता है, और वो गार्ड शूट करने वाला ही था कि तभी म्यूनिर फिर से चार्ज हो जाता है और एक थंडर की शाखा उस गार्ड पर लग जाती है और वो गार्ड वहीं पर मारा जाता है। तभी ओडिनसन की बेड़िया अचानक से टूट जाती है और वो खुद को आजाद पाता है। और अब थंडर उसके शरीर से होकर गुजर रही थी और वो देखता है कि अल्टीमेट म्यूनिर उसे बुला रहा था और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी कलेक्टर ओडिनसन को पीछे से शूट करता है और ओडिनसन वहीं बेहोश हो जाता है और म्यूनिर भी शांत हो जाता है। तभी कलेक्टर अपने गार्ड से कहता है कि ओडिनसन को दोबारा से बंद करके रखे और उसके सामने एक लाश डाल दे ताकि वो उसे देखकर तड़पे। तभी एक गार्ड पूछता है, कौन सी लाश। ये कहते ही कलेक्टर उस बच्चे को शूट कर देता है और उस बच्चे की वही मौत हो जाती है और गार्ड्स ओडिनसन को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ अर्थ पर न्यूयॉर्क सिटी में ट्राइस्किलियन में एक रहस्यमय शख्स अंदर आता है और एक प्रिजनर से बात करने लगता है और उससे कहने लगता है कि उसे मदद चाहिए। जिस पर वो कैदी कहता है कि बात क्या है। जिस पर वो रहस्यमय शख्स कहता है कि वो उसके पावर्स को जानता है और उसके लिए उसकी मदद लगेगी। ये कहते ही वो कैदी खुद को रिवील करता है और वो कोई और नहीं बल्कि थानोस था।